हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं। इसका नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 173, जी हां 173 का इसका एनईवी चल रहा है, जो कि यहां से डिसेंट दिख रहा है। अगर मैं एक साल के रिटर्न की बात करूँ तो 55% का CAGR है, मैक्सिमम देखिएगा तो 21% का CAGR है, 5 साल में देखिए 24% का CAGR है, 3 साल में 31% का CAGR है। आप यहां से एक चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि जितने साल आप टाइम किसी म्यूचुअल फंड को देते हो उसमें क्या होता है, जो रिटर्न होता है वो आपका चेंज होता रहता है। वो सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न एवरेज हो जाता है। पर ये भी चीज़ आप मानते होंगे कि अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रुक जाते हो किसी म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा बना के देता है। इसीलिए बोलते हैं इक्विटी की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कंपाउंडिंग। इसकी वजह से कोशिश करें कि आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का होराइजन कम से कम 10 साल से ऊपर का तो होना ही चाहिए, अगर आपको अच्छा रिटर्न या मल्टीबैगर टाइप का रिटर्न चाहिए। जब भी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको गिरावट देखने को मिले, इस तरीके का अगर आपको पीरियड देखने को मिले, यहाँ से देखिए इसका एनएवी कितने का है, 36 का एनएवी था, फिर 37 का पहुँच गया और 37 से गिर के कहाँ आ गया, 34, यानी कि 37 से 34 काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड ये गिर गया। पर जी हाँ, उसके बाद रिटर्न कितने मल्टीबैगर टाइप के इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर करके दिए। यहाँ से करीब करीब देखो 2 साल तक ये म्यूचुअल फंड बिल्कुल फ्लैट रहा। यहाँ से आपको ये सीखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में कोई अगर अच्छी और बेहतरीन अगर AMC है आपके पास, अगर उसका फंड रिटर्न नहीं दे रहा है तो एटलीस्ट उसको 1-1.5 साल देना चाहिए ताकि वो व्यवस्थित हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 out of 5 रेट किया हुआ है। 4 out of 5 क्यों नहीं किया, इसका लॉजिक देंगे अभी आपको। और 5 out of 5 किस म्यूचुअल फंड को रेट मिला है, डेफिनेटली क्वांट के फंड्स को इसमें बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है। चिराग सेतलवा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न इसका पिछले 6 महीने पहले की बात करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा था। पिछले 3 महीने में बात करेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बहुत ज़्यादा श्रिंकिंग होने को मिला, संक हो गया बिल्कुल रिटर्न, बहुत तेज़ी से ताबड़तोड़ तरीके से क्रैश हुए। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स भी क्रैश हुआ, पर्टिकुलर फंड्स भी क्रैश हुए। पर जी हाँ, जैसे ही मार्केट वापस से रिवाइव हुआ, वापस से इन म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया है। 3 महीने का रिटर्न देखो 4.33% का CAGR, ये किसी ज़माने में रहा करता था 16-17% का CAGR रिटर्न, अभी केवल इसका बच गया 4% का CAGR। पर जब एक अच्छा म्यूचुअल फंड होता है तो वो क्या करता है, अपने आप को सेफ करने के लिए उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है लार्ज कैप की तरफ चला जाता है या इंडेक्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो यही क्वालिटी है इस फंड के तरफ भी। 6 महीने में देखिए 20% का एब्सोल्यूट है, 1 साल में 55% का, 3 साल में पैसे को डबल कर दिया, 5 साल में पैसे को 2 गुना और 10 साल में पैसे को 6 गुना इन्होंने किया है। भाई किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये पैसा जनरेट करने वाली मशीन है, यहाँ से पैसा डालो उधर से बिल्कुल आपके लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन निकल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड को सट्टे की तरह ना देखें, इक्विटी मार्केट को सट्टे की तरह ना देखें। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो लॉन्ग टर्म में यहाँ रिटर्न मिलेगा, और केवल आपको कितना मिलेगा मैं बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन प्लस उसके ऊपर 5% और 5% क्या है, फिक्स डिपॉजिट में आपको कितना रिटर्न मिलता है, 7-7.5% का रिटर्न, जितना इन्फ्लेशन चलता है उसी के आसपास आपको फिक्स डिपॉजिट के अंदर रिटर्न मिलता है, उसी के ऊपर आपको 5% का रिटर्न और मिल जाता है। वो जो एक्स्ट्रा 5% आपको जो दे रहा है या जो भी आपको 10-12% एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपका रिस्क प्रीमियम है। वही रिस्क ऊपर वाला जो आपको दिखाया था ना कि 37 का एनएवी गिर के 34 रह गया, तो वही रिस्क है आपका। ठीक है, और उसी रिस्क का आपको प्रीमियम मिलता है। ठीक है, रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है, तो इस चीज़ को आप कृपया करके याद रखें। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करके चल रहा था, 60,417 करोड़ का असेट साइज है। जनरल टर्म में ऐसा बोला जाता है कि जो भी आप जिन भी असेट मैनेजमेंट कंपनी के कभी इंटरव्यू सुनेंगे या फंड मैनेजर्स के कभी अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो वो ऐसा मानते हैं कि जिस भी फंड का जो असेट साइज होता है वो बहुत ज़्यादा निकल जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए, जैसा कि इस केस में 60,000 करोड़ का है, तो उस केस में क्या होता है कि फंड एक्चुअली डिसबैलेंस होने लगता है। वो आपको हो सकता है लॉन्ग टर्म में रिटर्न कम बना के दे या शेयर मार्केट में बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को आ जाए, जैसे 2008 का जो लेमन ब्रदर्स वाला क्रैश हुआ। ठीक है, इसके बाद जो चाइना ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया था वो वैसा क्रैश आ जाए, कोविड जैसा क्रैश आ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि इन म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत बुरी हालत हो जाती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, इतना बड़ा इनका असेट साइज है, अगर ये सारे के सारे लोग एक साथ बैठ के इस फंड को निकालने लगे तो आधे से ज़्यादा शेयर के अंदर सर्किट लग जाएगा। तो इसकी वजह से बोलते हैं प्रेफरेबल ये रहता है कि अगर आपके पास कोई मिड कैप कैटेगरी का ऐसा म्यूचुअल फंड हो, जैसे कि इस केस में कितना है 60,000 करोड़ का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20,000 करोड़ का प्रेफरेबल रहता है। अब इस फंड के अंदर ऐसी क्या अच्छाई है, क्योंकि HDFC एक बहुत बड़े घराने से आता है, बहुत बड़ा घराना मतलब बहुत बड़ी AMC है, बहुत बड़ा HDFC एक ग्रुप है। इनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है कि 2-4 लाख करोड़ तो इनके लिए कुछ भी नहीं होता है, तो 60,000 करोड़ तो क्या ही है ये। तो इसकी वजह से लोगों को ट्रस्ट भी होता है, और HDFC नाम आज से नहीं चल रहा है, सबसे पुरानी AMC के अंदर HDFC AMC का भी नाम लिया जाता है।
ये यहाँ से ये भी दिखा रहा है कि बिल्कुल घमंड नहीं किया, क्यों नहीं किया, देखो केवल 0.79% का एक्सपेंस रेशियो है। मेरे मित्र चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। 6.04% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 TRI को ये फॉलो करके चलते हैं। TRI कभी आप लेमैन में या एब्रीविएशन सुनेंगे TRI को बोले तो समझ जाना वो बोल रहा है कि टोटल रिटर्न इंडेक्स का नाम ले रहा है, क्योंकि लेमैन टर्म में ये बोला जाता है निफ्टी मिड कैप TRI, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेना आप। जब भी मिड कैप कैटेगरी के अंदर अगर आपका कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा होगा और ये बेंचमार्क जिस दिन 2% से ज़्यादा का गिर जाए उस समय कई बार इन्वेस्टर्स का डाउट रहता है कि लमसम कब करना चाहिए, तो भाई उसी वक्त लमसम करना चाहिए। हर 2% की इंडेक्स की गिरावट पर आपको अपने फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। ये मिड कैप के लिए बता रहा हूँ। स्मॉल कैप कैटेगरी में 2.5% के आसपास गिर जाए तो आपको करना चाहिए। लार्ज कैप कैटेगरी में 1% से ज़्यादा का गिर जाए तब आपको लमसम करने के लिए पैसे डालना चाहिए। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए जितने शॉर्ट टर्म में आप अपने पैसों को एक्युमुलेट कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतना लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट वहाँ चलता है। और उसके साथ साथ आपका ये नहीं कि आपका पता लगा खर्चा महीने का 1 करोड़ रुपये का है घर का खर्चा, और आप 1 करोड़ 10 लाख रुपये मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर रहे हो, फिर पता लगा 2 महीने बाद आपको किसी मर्सिडीज खरीदनी पड़ गई, BMW खरीदनी पड़ गई, तो आपने वही पैसा विड्रॉ कर लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप मार्केट के अंदर वही पैसा डालें जो एटलीस्ट आपको ऐसा लगे कल को ये पैसा घूम भी जाए तो भी हमारी सेहत पर फाइनेंशियली कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा पैसा निकाल के लेकर के आते हो इक्विटी मार्केट के अंदर, तब आप, मैं बता रहा हूँ, 15-20 साल तो छोड़ दो, फिर आप कभी बेचते ही नहीं हो। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसको वो एंजॉय करते हैं। बहुत सारे आज के जनरेशन में जो यूट्यूब वाली जनरेशन है या जो बोलें सोशल मीडिया जनरेशन है, वहाँ पर देखते होंगे कि किसके लिए छोड़ के जाएंगे, अपना सब एंजॉय करो। ऐसा नहीं होता है भाई। मेरे ग्रैंडफादर मेरे फादर के लिए छोड़ के गए, मेरे फादर हमारे लिए छोड़ के जाएंगे, मैं आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाऊँगा। ये हमारा इंडिया का कल्चर है मेरे भाई। हम लोग ऑलमोस्ट अगर बात करें 2014 से पहले पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के हालात थे, इक्वली थे। हम लोग अमेरिका ऐसे लोगों को इक्वली टारगेट करता था 2014 से पहले, और आज देखो हम लोग केवल अपने बलबूते पर ऑलमोस्ट दुनिया की जितनी बड़ी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ के इंडियन CEO बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हमारा जो एक तरीका है, अब जैसे आज की डेट पे बोलते हैं अमेरिकन के पास $500 साइन करने के लिए चेक नहीं है, उनके बैंक में इतना पैसा नहीं है कि वो $500 का चेक साइन कर दें। मेरा मानना है कि आप इंडिया में एक स्टूडेंट को भी पूछ लोगे ना इंडिया में, तो भी उसकी पॉकेट मनी 400-500 रुपये रहती है नॉर्मली, ठीक। अगर वो अपने पे आ जाए तो 1-2 लाख रुपये उसके लिए कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का ही बच्चा क्यों ना हो, ठीक है। और उनके पेरेंट्स के पास कुछ ना कुछ रहता है। हमारे यहाँ जो लेडीज़ होती हैं उनके पास तो गोल्ड, तो भाई क्या ही बताएं अमेरिका के पास कितना गोल्ड है। ये सारा गोल्ड बाहर आ जाए तो अमेरिका तो हैरान हो जाए कि इंडिया के पास इतना गोल्ड है। अनरिकॉर्डेड है गोल्ड इंडिया के अंदर। गोल्ड तो वो मानता है सरकार जो रिजर्व बैंक के पास है, जो यहाँ की हर घर में है उसको तो गोल्ड कभी कैलकुलेट ही नहीं होता वो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा एक व्यक्तित्व है, ये हमारा नेचर है, हमें सबके लिए छोड़ के जाना है। तो बस इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करो। देखो खाना हमेशा एक रोटी, और अगर बहुत पैसा हो जाएगा तो सिर्फ आप दाल ही खाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हाँ पैसा कम है तो आपका रोज़ मन करेगा कि चलिए पनीर खाते हैं, चिकन मटन जो भी आपका मन करता है वो खाते हैं। पर उसके बाद में क्या होता है कि जब आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा ना, तब डॉक्टर आपको बोलेगा सिर्फ दाल चावल ही खाओ, वो देखना उसी में आपको पनीर वाला टेस्ट आएगा। तो पैसे तो, और एक सिंपल से बिस्तर पर लेटना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, केवल वेल्थ आपको इस वजह से बनानी है, कल को अगर कुछ होता है एटलीस्ट सोसाइटी में आपका एक रिस्पेक्ट हो, आपकी वजह से कंट्री की GDP के अंदर ग्रोथ हो, भारत सरकार को फ़ायदा हो इसकी वजह से, आपकी फैमिली के अंदर एक अच्छा आपका नाम हो, आपके देश का नाम हो, ठीक। आप किसी भी चीज़ को लेकर के सेक्रीफाइस ना करना पड़े, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का अलग से यहाँ पर एग्जिट लोड भी है, तो कृपया करके जो नए इन्वेस्टर हैं वो ध्यान रखें। एग्जिट लोड अगर उन्हें नहीं पता है तो सिंपल इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका 3 महीने के बाद इसका मूड ऑफ हो गया कि चलो HDFC मिड कैप में पैसा नहीं डालेंगे, क्वांट मिड कैप के अंदर जाएंगे अब, ठीक, या मोतीलाल उसवाल मिड कैप के अंदर जाएंगे, या मिड कैप में डालना ही नहीं है, चलो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर डिप्लॉय करेंगे। तो सपोज दैट आपका ये मूड खराब हो गया 3 महीने बाद, 3 महीने में आपको रिटर्न मिला 3% का, तो उस केस में केवल आपको रिटर्न दिया जाएगा 2% का, क्योंकि 1% एग्जिट लोड का कंपनी काट के अपने पास रख लेगी। अब यहाँ से आप एक चीज़ और देख पाएंगे कि जितनी भी बड़ी AMCs होती हैं वो सबसे ज़्यादा सेक्टर जिसको टारगेट करती हैं वो फाइनेंशियल को टारगेट करती हैं। तो इन्होंने भी वैसा ही किया है, फाइनेंशियल के अंदर 22% स्टेक इन्वॉल्व है, फॉलोड बाय कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, केमिकल, मेटल्स एंड माइनिंग, मटेरियल, कम्युनिकेशन, एनर्जी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल। ये कुछ दिग्गज सेक्टर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा गया हुआ है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है, तो देखिए सबसे बड़ा जो स्टेक इनका गया हुआ है वो गया है इंडियन होटल्स के अंदर, ठीक है, IHC के अंदर, IHCL के नाम से आप इसे जानते हो। इसका TV में आजकल IPL के अंदर ऐड भी बहुत आ रहा है, इंडियन होटल्स पूरे ग्रुप का आ रहा है। टाटा कम्युनिकेशन, अपोलो टायर्स, मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थ केयर, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर थोड़े से बदलाव किए हैं। HDFC बैंक देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थ केयर, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, इप्का लेबोरेटरी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोफोर्ज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम, AIA इंजीनियरिंग, अरविंदो फार्मा, जिंदल स्टील,
पावर पीएफसी, आरईसी, सोलार इंडस्ट्रीज, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कमिंस इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सुंदरम फास्टनर्स, हिंदुस्तान एयरनोटिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसकेएफ इंडिया, ओरेकल फाइनेंशियल, एसीसी, फोर्टिस हेल्थ केयर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, फोर्टिस हेल्थ केयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके जो सब्सिडरीज हैं इनके आईपीओ आएंगे। तो जिनके पास भी फोर्टिस का या बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर रहेगा उनको शेयर होल्डर कोटा दिया जाएगा, ये बात उनके लिए जाननी चाहिए जिनके पास जो आईपीओ में पैसा डालते हैं। अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो आज वोडाफोन आइडिया का क्लोजिंग डेट है, तो नज़र रखना, वीडियो भी आ जाएगा, आपको मिल गया होगा ऑलमोस्ट। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एम्फेसिस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, पीबी फिनटेक, रेडिंगटन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, केईसी इंटरनेशनल गुजरात, फ्लोरो केमिकल्स, करूर वैश्या, केएनआर कंस्ट्रक्शन, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, ग्लैन फार्मा, आरती इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी, ग्रीनलम इंडस्ट्रीज, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, सिटी यूनियन बैंक, वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद लिमिटेड। ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा गया हुआ है। अगर कोई नया इन्वेस्टर है उसे लगता होगा कि भाई एचडीएफसी मिड कैप पसंद नहीं आया मुझे। वैसे एचडीएफसी मिड कैप के बारे में ऑल इन ऑल बात करें, एक्सपेंस रेशियो दमदार है, असेट साइज बहुत दमदार है, रिटर्न ताबड़तोड़ तरीके से बना के दिया है, पर चूंकि पूरा स्पेस स्मॉल कैप और मिड कैप का डाउन है तो इसका भी थोड़ा सा डाउन है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहां से भी एएमसी के ऊपर आप पूरी तरीके से भरोसा कर ही सकते हैं क्योंकि एचडीएफसी ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, पर फिर भी किसी को लगता है कि एचडीएफसी के अंदर चलो इन्वेस्टमेंट किया जाए। पर इससे पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए कि क्या ये म्यूचुअल फंड सही है। साथ ही साथ आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का भी रिव्यू चेक करना चाहिए, क्वांट मिड कैप का भी आप रिव्यू चेक करना, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप का भी आप रिव्यू चेक करना। जब इन तीन म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू चेक करना उसके बाद आप अपना डिसीजन स्वयं से ले सकते हैं। एसबीआई मिड कैप का भी आप, एसबीआई मैग्ना मिड कैप है ना, उसका भी रिव्यू चेक कर लेना, वो भी अच्छी एएमसी से आता है। साथ ही साथ उसका जो एचडीएफसी एसबीआई मैग्ना मिड कैप है उस वो भी बेहतरीन फंड है। एचडीएफसी एएमसी की बात करेंगे, 6,12,745 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है, टोटल 151 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन चल रहा है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न कहीं से फाइल करवाते हैं तो ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स इन प्रैक्टिस जिनका केवल टैक्सेशन के अंदर ही, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, 8 साल से ज़्यादा का अनुभव है, आप ये सर्विसेज हमारे द्वारा भी ले सकते हो। बस सिंपल सा है, ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दोनों दिख रहे हैं इन पे सबसे पहले आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम।